सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे खान का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। आजम खान रास्ते पर कहीं जा रहे और गाड़ी रोककर वह रास्ते में हुए अतिक्रमण को लेकर गुस्सा प्रकट करते हुए गाली बकते सुनाई दे रहे हैं। उनकी इस गाली के वीडियो को लेकर विपक्षी दलों और आम नागरिकों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि वीडियो 14 मई 2008 का है। ट्रैक्टर चालक सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा कर नमाज अदा करने गया था और आजम खां को ट्रैक्टर चालक की गलती पर इतना गुस्सा आया कि वह आग बबूला हो गए और गंदी गालियां देने लगे। कुछ स्थानीय लोगों ने सारी घटना को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। घटना जौहर यूनिवर्सिटी से महज चंद कदमों की दूरी पर। वीडियो के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब एक गरीब ट्रैक्टर चालक को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी यूनिवर्सिटी और उनके स्कूल के अंदर बच्चों को क्या तालीम दी जाती होगी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये इससे ज़्यादा बुरा बर्ताव लोगों के साथ कर चुके हैं। लेकिन चूँकि रिकॉर्ड पर कैमरे पर कुछ बच्चों ने हिम्मत करके इस बात को वीडियो बनाया और वायरल किया, तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि आज की राजनीति के अंदर जिस तरह के लोगों को लोग ऊंचे पायदान पर पहुंचा रहे हैं, उससे राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है।